नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक 6 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं, ये आपका 7वां चैप्टर है। इसमें बात करेंगे हम लोग हाशियाकरण की समझ। याद रखिए, फिर से वही दोहराता हूँ, किसे कहानी की तरह पढ़िए, धैर्य बड़ा धैर्य रख के अंत तक सुनिए या फिर पढ़िए, ठीक है, जो भी करते हैं आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। सामाजिक रूप से हासिए पर होने का क्या मतलब होता है? अब जब आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाई ओर खाली जगह होती है, जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता है, उसे उस पन्ने का क्या कहते हैं, हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया जा गया हो, ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज्यादातर बच्चों जैसे नहीं है, यानी अगर संगीत फिल्म या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज्यादा मजा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके सभी संगी साथी आपको अपने बीच का कि नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर यह महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं, गोया आपकी कही बात आपके एहसास, आपकी सोच और आपके व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हाशियाकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, या फिर बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूह को लोग दुश्मनी डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग-थलग किए जाने का यह एहसास समुदाय को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है। जिनके पास जमीन है, धन दौलत है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर हैं, इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस अध्याय में आप ऐसे समुदाय के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। आदिवासी और हाशियाकरण। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे। अरे देखो, आदिवासियों की नाव। दादू, वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? हाँ, क्या हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते? सही कहा तुमने, आदिवासियों की ज्यादा दुनिया बहुत समृद्ध है। ज्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं होता है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में
हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी जरूरत की सारी चीजें अपनी जमीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों के की बहुत कदर करते थे। तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला और अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते थे। हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहां ना तो हमें वकील मिलता था और ना ही अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। तो फिर अपनी बात जान कैसे बचाए? तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? हम में से बहुत सारे लोग अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते हम उन्हें करने लगते। फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी जमीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी जमीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी व पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागजों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी जमीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी छोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपनी जमीन नहीं बेची। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपनी पुरखों की जमीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया वो दादू। और हमारी जमीन, उसका क्या हुआ? 30 एकड़ जमीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। शहर में भी पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ जिंदगी, उस खुले माहौल की मैं बहुत याद आती थी। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़ी कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी, हम पढ़ाई में इतने पीछे थे। सारे बच्चे हमारे यहाँ मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ, ये बोल रही हैं। ठीक है, काश मैं अपने दोस्तों को अपने गांव बर्बाद होने से पहले दिखा पा सकता। तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। ठीक है, बच्ची बोल रहे। तो अभी आपने पढ़ा है कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हासियकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से जानेंगे। आदिवासी आखिर होते कौन है? अब कौन लोग होते हैं? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते हैं, आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की ही है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में, जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज्यादा तरह की आपकी आदिवासी समूह है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं आपके। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है।
इसी वजह से इस समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। याद रखिए, आदिवासियों को हम लोग जनजाति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनजाति भी कहते हैं। शायद आपने अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदाय की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की और गांव और प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई धर्मों, बसात, वैष्णव, भक्ति आदि ग्रंथों से भी प्रभावित होते रहे। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में विचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। उड़ीसा का जगन्नाथ पथ और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, उनमें से ज्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषा को गहरे तौर पर प्रभावित भी किया है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। उनकी अपनी पत्रिकाएं निकलती हैं, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। देख लीजिए इस चित्र को और नीचे वाले को। ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समुदाय की तस्वीर है। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आदिवासी और पिछली छवियां। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों, किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हमें उनकी जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6वीं की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदाय को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदाय के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। बात करते हैं आदिवासी और विकास। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा है कि भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने व चांदी के अस्त्र, कोयले और हीरे की कीमती इमारती लकड़ी, जानवर जड़ी बूटियां, पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर हाथी, जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी कब? 19वीं सदी के आखिरी तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था।
और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी बैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था, इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की पिछले छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हसियाई हसियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजें बना बीन कर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती यानी कि झूम खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीतियों, राज्य व निजी उद्योगों की राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बगानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है, ना ही उन तक सीधी पहुंच। झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन, यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातनाओं, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके हैं। नीचे दिया गया गीत आदिवासियों की कुछ आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात की वाणी भी पेश करता है। आओ मिनी, असम चले। हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान है। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, साहेब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादूराम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया। बसु एस, झारखंड मूवमेंट, एथनिसिटी कल्चर एंड साइंस से लिया गया स्रोत है इसका, ठीक है। यह फोटो आपकी उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र रिफाइनरी लगाना चाहती। यह योजना आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी आपका चल रहा है। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वनभूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और प्राकृतिक साधनों की भी परंपरा रही है, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीन ली गई है। निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आपके आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में
उनकी जमीन लंबे समय से सशक्त बलों और उनके बीच चलने वाले टकराव से बिंधी है। इसके अलावा भारत में 104 राष्ट्रीय पार्क, 543 वन्यजीव अभयारण्य हैं। ये बदलते रहते हैं, इसलिए आप लोग करंट से जुड़े रहिए इनके लिए, ठीक है। आप ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते हैं, अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गौंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। जब आदिवासी समुदाय वनभूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। अपनी जमीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों की का रुख कर रहे हैं। वहां उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती हैं। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के आभाव का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम होती है। जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराओं और रीति रिवाज गवा देते हैं जो उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अब हम कैसे जिएंगे? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि आदिवासी जीवन आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना छपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। इकाई एक में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यकों समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही हैं? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम हो, ठीक है। जो कम जनसंख्या होती है उसे क्या कहते हैं? अल्पसंख्यक। जो अधिक जनसंख्या होती है उसे कहते हैं बहुसंख्यक, ठीक है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई एक में पढ़ा था कि भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधान की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध में तनावपूर्ण हो। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के लिए
संकल्पबद्ध है। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका का एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हम लोग हाशियाकरण को समझें। मुसलमान और हाशियाकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी संख्या यानी कि 14.2% है। कितनी? 14.2%। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित 3 सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई 3 सारणियों पढ़कर आप लोग मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जान सकते हैं। धार्मिक समुदाय, हिंदू, पक्का घर, बिजली, नल का पानी। पक्का घर है 65.4% के पास, बिजली है 75.2% के पास, नल का पानी 43.7% के पास। मुस्लिम समुदाय 63.8%, बिजली 67.5% के पास और नल का पानी 35.8%। इसी तरह ईसाई हो गया आपका, वे सिख हो गया, ठीक है। विभिन्न धर्मों में आपकी साक्षरता है कुल 74 हो गई, हिंदू में 63, मुस्लिम में 57, ईसाई में आपकी 74, सिख में आपकी 67, बौद्ध में आपकी 71, जैन में सबसे ज्यादा है 86, ठीक है। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का 20%, देखिए आबादी में 13.5%। भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं 3%, भारतीय पुलिस सेवा 4%, भारतीय विदेश सेवा 1.8%, क्षेत्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाइयों PSU 3.3%, राज्य स्तर 10.8%, बैंक एवं रिजर्व बैंक 2.8%। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में समुदाय के हासिलीकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुरका, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं, इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नजर से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोगों से जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। कक्षा 7वीं में आपने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही है थी। मुसलमानों की इसी सामाजिक हासियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में भी जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका गेटोइजेशन होने लगा। कभी कभी यही पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देती है। इस कहानी को भी पढ़िए। एक मुस्लिम बहुत क्षेत्र में रहती हैं। कुछ दिनों पहले रमजान के दौरान वहां कुछ गड़बड़ी हुई जिसमें जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले लिया और ये और इनका भाई पड़ोस में ही इफ्तार की दावत में गए थे।
इन्होंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज पहनी थी। इनका भाई शेरवानी पहने था। घर लौटने पर इन्हें कहा गया कि ये अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लें। अब जबकि सब कुछ ठीक है, तो इन्हें हैरत होती है कि हम कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया और इन्हें यह बात अजीब क्यों नहीं लगती। क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान पता चल जाती है? क्या यही पहचान सारे खतरों और भेदभाव की जड़ है? इस अध्याय के उपयुक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक खासियत के भी गहरा संबंध है। इसे अध्याय में आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा है। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों के की असामान्य स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षा की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित आदि अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हमें सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, ना ही समानता की प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। निष्कर्ष: इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया है कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदाय के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है। इन समुदाय के हाशियाई हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने देखा है कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशियाकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती है, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर मिल पाती है। इसके बावजूद हाशियाई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशियाई हाशिए पर नहीं रहता है। अगर हम हाशियाकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदाय के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपने सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखने चाहता है, साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहता है। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समुदाय ने इन हाशियाकरण का सामना किस तरह किया है। सच्चर समिति रिपोर्ट में मुसलमानों के बारे में पिछले दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया गया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसे में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये आपके इसी अध्याय से संबंधित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर या आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पर डाल दीजिए। ठीक है, PDF डाउनलोड करके रख लें, जरूरत तो पड़ती ही रहती है। कुछ आपके शब्द दिए गए हैं, इन्हें भी जान लेते हैं। ऊंच नीच व्यक्तियों या फिर चीजों की एक क्रमिक व्यवस्था। आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत होती है। जाति व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था है जिसमें दलितों को सबसे नीचे माना जाता है। घेटोआइजेशन यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। घेटोआइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी भी इस समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहां से निकल पाने के ज्यादा विकल्प नहीं होते, जिसके कारण वह शेष समाज से कटता जाता है। मुख्यधारा कायदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य बहाव को मुख्यधारा कहा जाता है। इस अध्याय में यह शब्द एक ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाजों और विचलनों को सही माना जाता है। इसी क्रम में उन लोगों
या समुदाय को भी मुख्य धारा कहा जाता है, जिन्हें समाज का केंद्र माना जा रहा है, जैसे बहुधा शक्तिशाली व वर्चस्वशाली समूह विस्थापित। ऐसे लोग जिन्हें बांध या खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया जाता है, विस्थापित कहलाते हैं। कुपोषित, ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता है, कुपोषित कहलाता है। तो ये था आपका 7वां चैप्टर। 8वें चैप्टर में बात करेंगे हाशियाकरण से निपटना।